हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लकी कॉन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संविधान वाली हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें कल हमने संविधान के भाग दो को अर्थात नागरिकता के बारे में जाना। जब हम अनुच्छेद 8 की बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि अनुच्छेद 8 हमें हमारा देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति 3 आधार पर देता है। जो सबसे पहला आधार था वो था पर्यटन, दूसरा आधार था आजीविका, आप वहां जाके व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कोई जॉब कर सकते हैं, और जो तीसरा आधार था वो था शिक्षा। और ये अनुमति हमारे देश छोड़ने की अनुमति और बाहर रहने की अनुमति का काम करते हैं पासपोर्ट और वीजा। इस वीडियो में हम एकदम डिटेल जानकारी जो मैंने भारत सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाली है उन जानकारियों को जानेंगे कि आखिर कैसे पासपोर्ट और वीजा काम करते हैं, कैसे बनते हैं, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे पासपोर्ट की कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है। भारत के पासपोर्ट की फोटो देख लीजिए, ये है भारत का पासपोर्ट, भारत गणराज्य लिखा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय एक जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमारे देश का नागरिक है, ये हम आपके देश आना चाहते हैं। मान लीजिए हमें यूएसए जाना है या इंग्लैंड जाना है, फ्रांस जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारी जवाबदारी कौन लेगा कि हम फ्रांस जाके वहां कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हम अमेरिका जाके वहां कुछ गलत काम नहीं करेंगे। इस बात की जवाबदारी आपका पासपोर्ट लेता है, उसमें आपके राष्ट्रपति के साइन होते हैं, या साइन नहीं भी होते तो डिजिटल और राजनीतिक डिप्लोमेटिक रूप में आपके राष्ट्रपति ने आपकी जिम्मेदारी लेके आपको इस देश से दूसरे देश जाने की अनुमति दी है कि आप हमारे देश के नागरिक को अपने देश में आने दीजिए। जो भी गड़बड़ होगा, मान लीजिए कुछ काम अनैतिक हो जाते हैं धोखे से, तो उसकी जिम्मेदारी देश लेगा। तो शायद जान के आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक छोटे से कागज में हमारा देश, पूरा देश जवाबदारी लेता है। जब आप अकेले फ्रांस जाते हैं, चाहे आप घूमने जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आप किसी भी कारण से जा रहे हो, तो सोचिए पूरा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का अध्यक्ष मतलब हमारे राष्ट्रपति इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आशा करते हैं पासपोर्ट के बारे में आपको आसान भाषा में ठीक ठाक समझ में आ गया होगा कि हमारे देश से बाहर जाने की अनुमति वाला जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट कहलाता है। अब हम बात करेंगे वीजा की। पासपोर्ट की फोटो आपने देख ली होगी, अब हम बात करेंगे वीजा। तो दोस्तों, वीजा उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिस डॉक्यूमेंट की मदद से आप किसी दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमें किसी देश जाना है, मान फ्रांस जाना है, स्पेन जाना है, इटली जाना है, कहीं भी जाना है, तो वीजा 4-5 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पीपीटी में देख पा रहे होंगे। सबसे जो आसानी से वीजा मिल जाता है, वीजा का मतलब एक बार फिर से जानिए कि किसी दूसरे देश में प्रवेश की अनुमति। पासपोर्ट की मदद से आप अपने देश के एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ के दूसरे किसी देश के सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, पासपोर्ट आपकी इतनी ही मदद करेगा। लेकिन अब उस देश के एयरपोर्ट से देश में अंदर जाना है, आगे के कुछ काम करना है, तब आपकी मदद आपका वीजा करेगा। तो वीजा 4-5 प्रकार से मिलता है। जो सबसे आसानी से और सबसे जल्दी वीजा मिल जाता है दोस्तों, वो होता है मेडिकल वीजा। मान लीजिए कोई बड़ा रोग है जिसकी दवाई भारत में नहीं हो पा रही है, अमेरिका में होना है, रूस में होना है, इटली में, लंदन में, कहीं भी होना है, तो आप मेडिकल वीजा सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरे टाइप का वीजा होता है वो होता है टूरिस्ट वीजा। आप लोग को कहीं घूमने जाना है, किसी अन्य कार से, कहीं कहीं नई नई जगह देखने के आप शौकीन है, या किसी काम से भी जाना है, तो टूरिस्ट वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दूसरे प्रकार का वीजा हो गया। अब जो तीसरा वीजा होता है, आप शिक्षा के काम से जा सकते हैं, आप किसी अच्छी डिग्री में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको जाना है उस देश पढ़ने, तो आप स्टडी वाला वीजा लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कई टाइप के वीजा आपको मिलते हैं। इनमें से एक अच्छा वीजा के बारे में आपको बताता हूं। एक वीजा होता है वीजा ऑन अराइवल। कुछ देशों के संबंध बड़े अच्छे होते हैं, देशों के संबंधों में मधुरता होती है, तो वहां पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने देश का पासपोर्ट बनवाइए, अपने देश के किसी भी एयरपोर्ट से बैठिए और उस देश में पहुंच जाइए।
उस देश के एयरपोर्ट में एक ऑफिस होगा, वीजा ऑफिस कहते हैं उसे। आप वहां जाइए, बताइए कि हम इस देश से आए हैं, हम दोनों देशों के जो संबंध है वो मधुर है, इसलिए मुझे वीजा ऑन अराइवल चाहिए, मतलब पहुंचने के बाद वीजा। तो वहां के जो अधिकारी हैं, उच्च राजनयिक हैं, वो आपसे 2-4 मिनट बात करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे और आपको वहीं तुरंत वीजा जारी कर देंगे। तो ये अच्छा प्रकार है एक वीजा का। एक प्रकार के वीजा की और बात करते हैं, H-1B वीजा। आपने सुना होगा कि हमारे देश के जो ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन यहाँ जाके इंजीनियरिंग करने लगते हैं या काम करने लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो अमेरिका ने ऐसे इंजीनियर्स को आकर्षित करने के लिए, आसानी से बुलाने के लिए एक वीजा का टाइप जारी किया था, H-1B वीजा। ये वीजा सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए था कि आप इस वीजा के माध्यम से आसानी से एक लंबे समय के लिए हमारे देश में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से पा सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को दोस्तों वीजा कहते हैं। आशा करता हूं कि पासपोर्ट और वीजा जो आप इतने सालों से नाम सुनते चले आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी हो सकता है बेशक जानकारी भी रही हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मन में एकदम बात स्पष्ट हो गई होगी कि पासपोर्ट और वीजा क्या है। अब 1-2-4 फैक्चुअल बातें जान लेते हैं। जो हमारा पासपोर्ट है, हमारे देश का पासपोर्ट, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आसान शब्दों में विदेश मंत्रालय जारी करता है और पूरी जिम्मेदारी लेता है कि हम आपको विदेश भेज रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। यदि आप उस देश में जाके, जिस देश में आप जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, उस देश में जाके यदि आप कुछ अनैतिक कार्य कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा विदेश मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी लेता है और यहाँ बुला के जो भी उचित उपयुक्त दंड होता है वो आपको देता है। इस प्रकार से इन टाइप्स के वीजा से आप दूसरे देशों में जाके व्यवसाय, पढ़ाई या पर्यटन, किसी भी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं, एकदम फैक्चुअल बात है इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ये 3 टाइप के आपको पासपोर्ट दिख रहे होंगे। जो सबसे पहला पासपोर्ट का कलर है वो नेवी ब्लू है दोस्तों। ये वाला पासपोर्ट जनरल लोगों को, सामान्य लोगों को मिलता है जो घूमने, रहने, व्यवसाय, जॉब करने के लिए जाते हैं। आपको दूसरा पासपोर्ट दिख रहा होगा जो सफेद कलर का है दोस्तों। सफेद कलर का पासपोर्ट ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सरकार को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, देश की सरकार को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए व्हाइट पासपोर्ट बनाया गया। सबसे लास्ट पासपोर्ट आप देख रहे होंगे मेहरून कलर का होता है। ये पासपोर्ट हमारे देश के राजनयिक, जो उच्च डिप्लोमेट होते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है। तो ये कुल 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, एकदम फैक्चुअल बात है। आशा करता हूँ कि आपको एकदम आसान तरीके से वीजा और पासपोर्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।